नमस्कार, हेल्दी किचन नवाजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ मिक्स वेजिटेबल रायता। तो मिक्स वेजिटेबल रायता बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, चलिए देख लेते हैं। इसे महाराष्ट्र में कुचुम्बर भी बोलते हैं, तो इसे कुचुमर बोलते हैं और कुछ बहुत लोगों बहुत नाम से इसे जाना जाता है। तो इसे बनाने के लिए चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, प्याज दो मीडियम साइज का बारीक एकदम चॉप किया है, थोड़ी सी खीरा है इसको बारीक चॉप कर लिया है मैंने, थोड़े से टमाटर है बारीक कटे हुए, एक हरी मिर्च है, आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई, आप सब्जी इसमें और गाजर ऐड कर सकते हैं, मूली ऐड कर सकते हैं, जितना आप अपनी इच्छा अनुसार सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं इसमें। अरे यहाँ पर मैंने 1.5 कप दही इसको अच्छे से फेट करके ले लिया है, फेटा हुआ दही है मेरा। थोड़ी सी लाल मिर्च यूज़ करूँगी, भुना जीरा, नमक स्वादानुसार और यहाँ पे 1/2 टीस्पून काला नमक लिया है। तो सबसे पहले हम सारी सब्जियों को दही में डाल लेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इसमें हरी कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे, काला नमक, नमक स्वादानुसार। हाँ जी, अब इसमें हम थोड़ा सा भुना जीरा 1 चम्मच डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। तो मैंने सारी चीज़ें को अच्छे से मिक्स कर दिया है, हमारा रायता तैयार हो चुका है। अब इसे हम सर्विंग बाउल में सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। तो मैंने इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल दिया। अब इसे हम थोड़ा सा भुना जीरा और लाल मिर्च पाउडर से थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हैं। तो लीजिए, हमारा मिक्स वेजिटेबल रायता तैयार है। इसे आप बिरयानी पुलाव के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही यम्मी लगता है। तो इसे आप खाइए, अपने को भी खिलाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। नमस्कार।